मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। फाइनली मैंने ब्लॉगिंग के लिए कैमरा उठा ही लिया है। दो तीन दिन से मैं काफी ज्यादा बिजी चल रही थी, सिटिंग वीडियोज पॉसिबल नहीं थी एंड मौसम भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, मतलब कभी धूप कभी बारिश। मैं ना वीडियोज जो है वो नेचुरल लाइट में शूट करती हूँ, तो इसलिए स्केड्यूल नहीं बन पा रहा था सिटिंग वीडियोज का। सो मैंने सोचा कि क्यों ना रियल लाइफ शेयर की जाए। और आज ना मेरे घर में है रुद्राभिषेक और उसकी पूजा है। वैसे मैं पूजा में नहीं बैठ रही हूँ, भैया भाभी बैठ रहे हैं, बट घर में पूजा है तो आपको इन्वॉल्व रहना ही पड़ता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मौसम ना बिल्कुल बहुत बारिश हुई है और मौसम बिल्कुल वैसा सा ही है। 8 बजे पंडित जी आने के लिए बोला है और तब तक मैं होंगी रेडी। और पूजा के बाद हम लोग कहीं जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, वीडियो में आप लोग देखेंगे एंड मुझे लगा कि इतना स्पेशल है तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं हो जाती हूँ रेडी, उसके बाद हम मिलते हैं। अच्छा, जब मैं तैयार हो रही थी ना तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना आप लोगों के साथ ही तैयार हुआ जाए। स्किन केयर मैंने ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि सारी चीज़ें मैं वॉशरूम में ही रखती हूँ और वहीं पर कर लेती हूँ। जब कभी मुझे वीडियो वगैरह शूट करनी होती है तो ही मैं चीज़ें अंदर लाती हूँ, अदरवाइज वहीं पर सब कर लेती हूँ। बस मेकअप करना है मुझे और फटाफट से रेडी होना है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एंड मेकअप में भी मुझे जस्ट थोड़ा सा करना है, बेस वगैरह तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मुझे बाहर भी जाना है एंड फिर पसीना वसीना होता है, मेकअप रहता है ना तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। तो मुझे जस्ट आईब्रो काजल एंड लिपस्टिक या हल्का सा ब्लश वगैरह लगा लेना है बस। मुझे ना मेकअप करना बहुत पसंद है, मतलब इट्स लाइक थेरेपी फॉर मी। जब भी मैं कभी डिस्टर्ब होती हूँ या मेरा मन मतलब थोड़ा सा सैड होता है तो मैं क्या करती हूँ, सारे मेकअप निकाल लेती हूँ, घंटों भर बैठ कर मेकअप करती हूँ, फिर जाकर रिमूव कर देती हूँ। थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन सच में मैं ऐसा करती हूँ। और अभी ना मैं बहुत थक गई खड़े होके, क्योंकि मैं अभी खड़े होके वीडियो शूट कर रही हूँ और जब भी मैं खड़े होके वीडियो शूट करती हूँ ना विंडो पे रख के फ़ोन को, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कितना फ़ोन में घुसना है कितना नहीं घुसना है, बिल्कुल यू नो प्रॉपर वो जो फ्रेम होता है उस तरह का नहीं हो पाता है एंड थोड़ा सा मुझे झुकना भी पड़ता है क्योंकि जब मैं फ़ोन को ऊपर रखती हूँ तो वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो जाता है, नीचे रखती हूँ तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है। एंड यहाँ पर मैंने हल्का सा ब्लश वगैरह लगा लिया, मुझे लगा कि थोड़ा सा अच्छा मतलब लगना चाहिए ना, अब मेकअप रहे तो थोड़ा सा हाइलाइटर भी। एंड किस किस को ना इस तरह से जब भी शार्प करते हैं तो स्कूल टाइम की याद आती है, मुझे तो ज़रूर आती है। जब भी मैं ये लाइनर हो गया या लिप लाइनर हो गया शार्प करती हूँ तो मुझे याद आता है स्कूल टाइम। कभी कभी तो पूरे दिन में हम एक पेंसिल ख़त्म कर देते थे शार्प कर करके, बड़ा मज़ा आता था और फिर इकट्ठा करते थे। तो मतलब कभी भी कुछ मेमोरीज़ होती हैं ना वो दिमाग में बैठ जाती हैं। सो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, हल्का सा जितना मुझे करना था मैंने कर लिया है। एंड ज्वेलरी मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूँ, ज्वेलरी भी हल्की सी ही पहननी थी क्योंकि मुझे ना बाहर जाने से पहले फिर से चेंज करना होगा, मैं इस तरह से नहीं जाऊँगी। तो ये झुमकी पड़ी हुई थी, इसमें पिंक स्टोन था वो मेरी कुर्ती से मैच कर रहा था तो मैंने सोचा यही पहन ले। एंड ये ऑक्सीडाइज है तो मैंने नोजपिन जो पहनी है वो ऑक्सीडाइज है तो मैंने कहा थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो जाएगा। उसके बाद मुझे लग रहा था ना कि कुछ तो मिसिंग है यार, फिर याद आया ओ बिंदी, मैंने बिंदी नहीं लगाई। जब भी मैं कोई एथनिक वियर पहनती हूँ ना इस टाइप की कुर्ती वगैरह तो बिना बिंदी के मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मतलब इनकम्प्लीट लगता है। बिंदी का पूरा कलेक्शन है मेरे पास, साइजेस अलग अलग, कलर्स अलग अलग, मतलब मुझे बिंदी पहनना बहुत पसंद है। और ये कुर्ती मैंने पहनी है, एक बात बताऊँ, जो लोग पतले लोग होते हैं ना जिनका वेट जल्दी से नहीं बढ़ता मेरी तरफ, उनका ना बड़ा फ़ायदा होता है। मतलब ये कुर्ती 5 या 6 साल पहले मैंने स्टिच करवाई थी और अभी भी मेरे को प्रॉपर फिट आ रही है, या मैंने खुद ही शायद स्टिच करी थी मुझे याद नहीं है, बट सोचो ये 2019 की कुर्ती है और अभी भी एकदम फिट है। अभी चलते हैं पूजा की तरफ। ओम शुक्लं भरम धरम देवं सजीवरणं चतुर्भुजं सुनमदं ध्यायता सर्वविधनोपशान्ते अभिविस्तात सिद्ध्यर्थ पुंजतोजा सुभाद्रत सर्वविधन हस्तमेकणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वत्रभिके गौरे नारायणे नमो यशुने ओम सर्वदा पकड़ में आई क्या। पूजा के बाद हमने फटाफट से लंच किया क्योंकि हमें बाहर निकलना था एंड मथुरा से हमारे अंकल आंटी आए थे वो लोग गए, कुछ लोग पूजा के लिए भी आए थे वो लोग भी गए एंड देन हम निकल गए। एंड हमें जाना था ग्रेटर नोएडा, मतलब अभी मैं नोएडा में रहती हूँ तो आधा पौने घंटे का रास्ता था।
कैब बुक करी और मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बारिश के बाद जब धूप निकलती है ना तो कितनी क्लियर धूप होती है। हालांकि थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन बाहर मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लियर क्लियर सा लग रहा था, सब कुछ फ्रेश फ्रेश सा। उसके बाद हम लोग पहुँच गए और आई थिंक आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, मतलब यहाँ कौन आता है, किस लिए आता है, गेस कर ही लिया होगा। सो हम लोगों ने गाड़ी बुक करवाई थी एक महीने पहले, हो गए होंगे, हाँ एक महीने तो हो ही गए होंगे। तो आज उसको लेने जाना था और आज का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि रुद्राभिषेक वगैरह हुआ, तो हमने प्लान किया था कि आज के ही दिन जाएंगे हम लेने। सब लोग आए थे, मम्मी डैडी भैया भाभी एंड ओश ओजस सब लोग आए थे। उसके बाद वहाँ पहुँचते ही मैंने कॉफ़ी ली क्योंकि ना आजकल मुझे थोड़ी सी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होने लगी है। कैब में थी, पीछे बैठी थी, मे बी उस वजह से, पता नहीं, या लंच करके हम लोग तुरंत बैठ गए थे, मे बी वो रीज़न भी हो सकता है, आई डोंट नो। उसके बाद यहाँ पे ना कुछ पेपर वर्क हो रहा था जो कि भाई करवा रहा था एंड पेपर वर्क जैसे ही डन हुआ फाइनली ये गाड़ी हमारी हुई। और पहले ना हमारे पास अमेज थी तो वो 5 सीटर थी, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि अभी फैमिली बड़ी हो गई है, किसी ना किसी को एक को रुकना पड़ता था या थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता था। तो हमने डिसाइड किया कि इस बार हम 7 सीटर लेके ताकि कहीं पर भी जाएँ तो आराम से जाएँ। और यहाँ पर वो कुछ डेमो वगैरह दे रहे थे, कुछ समझा रहे थे और फिर हम आ गए अपने घर, मतलब सोसाइटी में। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं पंडित जी का। अगर ये 6 बजे तक यही रोना सर बोलेंगे, बोलेंगे आज क्यों नहीं आई, तो मैं क्या बोलूँगी। पंडित जी आ चुके हैं, वो पूजा वगैरह स्टार्ट कर दी है जो भी होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, बीच में अभी ना ऑडियो सुनी होगी, वो समझ नहीं आएगा, मैं बताती हूँ। वहाँ पे मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी कि मैं कैमरे में कुछ देख रही हूँ या शूट कर रही हूँ ताकि मैं उसकी बातें सुन पाऊँ मेरी नीस की। तो वो ये कह रही थी कि काश पंडित जी पूजा इतनी देर तक करवाएं कि हमारी जो क्लासेस हैं, मतलब वो स्केटिंग क्लासेस लेती है, एक दो क्लासेस और थी ट्यूशन वगैरह, वहाँ जाना ही ना पड़े। तो मतलब वो प्लान बना रही थी कि मुझे क्लासेस ना लेनी पड़े और काफ़ी देर तक पूजा हो ताकि आज मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। मतलब कितने स्मार्ट हो गए हैं बच्चे। उसके बाद हम लोग निकल गए डिनर के लिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि सुबह से ही मतलब कुछ ना कुछ लगा ही था तो थक चुके थे, इसलिए हम पास में ही वही जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट रेस्टोरेंट है हीरा स्वीट्स, वहीं पर गए और मतलब थोड़ा थोड़ा सबने खाया। वैसे भूख किसी को नहीं थी क्योंकि बताया कि दिन में बहुत सारी चीज़ें हमने खा ली थी, घर पे पूजा वगैरह थी, तो ये हुआ कि चलो बाहर ही खा लेते हैं, थोड़ा सा खा लेंगे जो भी है। एंड यहाँ पे बैठ के हम लोग डिनर कर रहे थे, बातें कर रहे थे और आई थिंक इसके बाद तो मैंने कुछ नहीं शूट किया, या दैट्स इट, ब्लॉग खत्म हो गया है गाइज। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल बटन भी दबा देना ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। एंड गुड बाय, टेक केयर।